पैलेस कश्मीर क्राउन की तरफ से देखें लोगों का जोश और खरोश इस रूज पर खड़ा है। बहुत ही जबरदस्त वेलकम हो रहा है सजाद साहब का यहाँ पर। देखिए पूरी के लोग इस तरह उसका इंतजार यहां पर कर रहे थे और इंतजार खत्म। देखिए लोग इस तरह लोगों का प्यार मोहब्बत इस वक्त पूरी में सजाद साहब के लिए। देखिए लोगों का जोश किस आकार पे है। देखिए नौजवान जोश में है इस वक्त, उनका जोश उरूज पर है सजाद साहब को देखकर। यहाँ के युवा बहुत ही जोश खरोश में इस वक्त। देखिए लाइव विजुअल्स देख रहे हैं आप ओडी से इस वक्त कश्मीर क्राउन आपके लिए ये लाइव विजुअल्स हाजिर कर रहा है। जोश उरूज पर है इस वक्त सजाद साहब को देखकर। आपको जहाँ पे आज जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस का प्रोग्राम आज मिनी स्टेडियम उड़ी में होने जा रहा है, जिस प्रोग्राम में खिताब सजाद साहब आ गए इस वक्त। देखिए सजाद साहब और सजाद साहब ग्राउंड में इस वक्त है आगे और लोगों का जोश देखिए, Yeah!
मेहरबानी करके जितने भी लोग यहाँ पे खड़े हैं प्लीज यहाँ पे भगदड़ ना करें, सिक्योरिटी वालों को उनका काम करने दें, पीछे वाले साइड आ जाएं। सर कायदे का आरोहन जनाब सजाद गनी लोन साहब, जनरल सेक्रेटरी अंसारी साहब, कॉन्स्टिट्यूंसी हेड उड़ी बशीर अहमद चारकू साहब, चेयरमैन पहाड़ी कल्चर एंड वेलफेयर फॉर्म कश्मीर एजाज अली खान साहब, कॉन्स्टिट्यूंसी हेड अपनी पार्टी चौधरी मुश्ताक साहब, रफीक बलोट साहब, एक्सपीडीसी बनियार बिलाल अहमद मीर साहब और दीगर जमाए कराम और आवाम उड़ी और बनियार, अस्सलामु अलैकुम। तारीफ उस खुदा की जो ना मांगो तो नवाज देता है, मांगो तो बेहिसाब देता है। बेशक मेरा अल्लाह हर चीज पर कादर है, तो शुरू करते हैं उसके बाबरकत नाम से। सुबह से लोग यहां पे बैठे हुए हैं, चार पांच घंटे से आपके हौसले को सलाम। अब हम वक्त जाया किए बगैर मैं स्टेज पे दावत देना चाहता हूं हमारे पीपल कॉन्फ्रेंस के कॉन्स्टिट्यूंसी हेड जनाब डॉक्टर बशीर अहमद चारकू साहब को, क्यों आए मेहमानों का इस्तकबाल भी करें और अपने ख्यालात का इजहार करें और बाकायदा तौर इस जलसे की शुरुआत। माजरत, रफीक बलोट साहब से गुजारिश करूंगा कि स्टेज पे आए और आज की कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। बड़े भाई मैं मुकद बसो मैं भी लेट वहां भी लेट मुकद बसो। आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नाम तो हुवा सुल्लल्लाह रसूलुल करीम, अम्मा बाद। पी प्लस कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन और मेरे बड़े भाई सजाद गनी लोन साहब, उनके हमरा हमारे उड़ी के रहने वाले एक बड़ी हस्ती हैं राजा एजाज अली खान साहब, जनाब पी प्लस कॉन्फ्रेंस के कॉन्फ्रेंसी इंचार्ज जनाब बशीर अहमद चारकू साहब, हमारी पार्टी के कॉन्फ्रेंसी इंचार्ज अपनी पार्टी के चौधरी मुश्ताक साहब, हमारे पुराने सियासी तजर्बेकार बुजुर्ग रहनुमा उड़ी के काजी मोहम्मद शेख साहब, इनके हमरा पीपल्स कॉन्फ्रेंस के ओहदे का मुझे पता नहीं है इरफान अंसारी साहब स्टेज पे बैठे हुए, तमाम सीनियर कायदीन अपनी पार्टी पीपल्स कॉन्फ्रेंस और मेरे दो कुलीग बनियार के बीडीसी बिलाल भाई और पनभीला के बीडीसी आसमा जी, ओड़ी के बुजुर्गों नौजवानों माँ और बहनों सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। चंद लफ्जों के हार लाया हूँ बल्कि बहार लाया हूँ, चंद लफ्जों के हार लाया हो बल्कि बहार लाया हो, उड़ी वालों कबूल कर लेना जिंदगी भर का प्यार लाया हो। बिक रहा है जहां में सब कुछ, बिक रहा है जहां में सब कुछ पर अपनी हस्ती को फजूल ना बेच, बिक रहा है जहां में सब कुछ पर अपनी हस्ती को फजूल ना बेच, अपने नफस की सौदाबाजी में गैरत अमान और असूल ना बेच। सबसे पहले मैं अपनी पार्टी की तरफ से सजाद साहब की तरफ से दूर दराज ग्वालियर की उन पहाड़ियों से आने वाले
नामला के दूर दराज चूडा नावारुंडा कमलकोट माड़िया हिला पालीपुरा छूला चोटावाली बनियार मदाना गगड़ हिल जबड़ी पूरी उड़ी के लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आज उड़ी वालों की गैरत उड़ी वालों ने अपने दिल में धैया कर लिया कि पिछले 70 साल से जिस जमात ने इस रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को तोहफे में रखा, आज उड़ी वालों ने यह धैया कर लिया कि उड़ी से बदलाव जरूर आएगा इंशाल्लाह। सजाद साहब, उड़ी एक सोने की चिड़िया है, उड़ी के अंदर बड़े रिसोर्स अपने हैं, लेकिन अफसोस सदा अफसोस उड़ी के नौजवान और गरीबों ने हमेशा यहां से नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों को हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में भेजा, लेकिन पता नहीं जब वो यहां से अक्सरियत से वोट लेके जाते थे, उड़ी वालों अपने अपने घरों में ये जाके पूछ लेना, अपने अपने गांव में ये जाके पूछ लेना, अपनी अपनी पट्टी में ये जाके पूछ लेना, क्या 10 रुपए आज तक हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में जो हमारे पार्लियामेंट मेंबर आप ला के भेजते थे, उड़ी की डेवलपमेंट के लिए 10 रुपए कभी उसने खर्च किए? जरा जोर से बोलो, किए? तो हम किस बात से वोट दें? सजाद साहब, पूरे हिंदुस्तान को रोशन करने वाली, पूरी जम्मू कश्मीर को रोशन करने वाली ये उड़ी की सरजमीन और हमारी मिट्टी है। हिंदुस्तान की इकॉनमी को बूस्ट करने के लिए 2880 करोड़ एक पावर हाउस का उड़ी फर्स्ट का जाता है और 1440 करोड़ उड़ी सेकंड का जाता है, लेकिन अफसोस उड़ी वाले अंधेरे में, उड़ी के लोग अंधेरे में 1400 रुपए हमारी बिजली भी आ चुकी है। सजाद साहब, हम आपके पहले भी हमने बड़ी कोशिश की, होटल सपोर्टर रहे, लेकिन आज उड़ी के इस चमन गंभीर के सामने आपसे गुजारिश करूंगा, जब आप हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में जाओ, इतना तो मैं चाहता हूं कि सजाद गनी लोन साहब इंशाल्लाह अजीज जब हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में पहुंचेंगे, पूरे बारामूला नॉर्थ कश्मीर के लोगों को फख्र होगा कि किसी शहर के बेटे को हमने हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में भेजा। लेकिन एक बात आपसे गुजारिश करूं, जो मेरे उड़ी के इन मासूम गरीब पसमांदा लोगों की डिमांड है, सजाद साहब थोड़ा गौर फरमाएं कि एनएचपीसी ने हमारे साथ वादा किया था उड़ी के 5 किलोमीटर एरिया को पावर फ्री करने का, लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब जो श्रीनगर से एक टूरिस्ट आया है, जम्मू कश्मीर का वजीर आला रहा, उड़ी वालों आपको पता है? नहीं पता। 12% पावर फ्री उड़ी फर्स्ट और उड़ी सेकंड का यहां से चला जाता है, लेकिन उड़ी वालों को 1% भी उन्होंने नहीं दिया। सजाद साहब, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हमारा यहां की जमीनें जो यूज की है, सबसे बड़ा मसला है हिंदुस्तान की पार्लियामेंट से आपने 10% आपने उड़ी फर्स्ट का, 10% उड़ी सेकंड का, 3% पावर उड़ी के लोगों को फ्री कर रहा है, हम आपको सारे वोट देंगे। और ये ठीक नहीं, ये हमारा हक है, और पता है हक कौन आ सकता है? जो भीख नहीं मांगता। सजाद गनी लोन साहब को हम इसलिए वोट देंगे कि ये हक जो हमारा उड़ी वालों का है, नॉर्थ कश्मीर वालों का है, कुपवाड़ा वालों का है, ये दिल्ली वालों से आपका हक छीन के लाएंगे, छीन के इंशाल्लाह। और सबसे बड़ा मसला जो